हे गाइस, सो आप लोगों में से बहुत सारे जनों का एक क्वेश्चन था कि कस्टम रिकवरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप कैसे कस्टम रोम को फ्लैश कर सकते हो, या और भी अलग अलग एंड्रॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसा टूल जो आपको हेल्प करेगा सारे के सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, ये अभी फिलहाल 50 से भी ज़्यादा डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है और आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे ही यूज़ करता हूँ बहुत बार जब मैं कहीं पर प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, मेरी रिकवरी में प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी लाइक एंड्रॉइड से रिलेटेड मुझे काम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें इस टूल के बारे में पता करने के लिए और इस टूल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नई कम्युनिटी चालू करी है स्लैक पे, जो कि लाइक टेक्निकल हेल्प करेगी। आप जैसे टेक में अगर इंटरेस्टेड हैं या आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप लोग अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एक डिस्कशन टाइप की स्लैक कम्युनिटी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, A2D टेक कम्युनिटी। तो दोस्तों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत अच्छी लाइक मतलब अभी तो शुरुआत हुई है। सो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम टूल ऑल इन वन के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, मैं हूँ अंकित डांगी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल A2D टेक वीडियो। दोस्तों, अब हम ज्यादा टाइम बर्बाद किए बिना देखते हैं कि इस टूल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है tool aio.tk पे। तो आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे जब आप उस पर डाउनलोड पर नीचे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, आपको गूगल ड्राइव चूज कर लेना है, आप चाहे तो दूसरा भी चूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव मेरे हिसाब से फास्ट होता है, इसलिए मैं गूगल ड्राइव को ही चूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप गूगल ड्राइव से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, शायद 4 या 5 MB का होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको कैसे डाउनलोड करना है इसे। दोस्तों, 3 MB का सॉफ्टवेयर है, आप इसे डाउनलोड कर लें। अब एक ही जिप फाइल आपके इसमें डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। दोस्तों, अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। दोस्तों, इसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके 3 फाइल्स दिखेगी अपने एक्सप्लोरर पे, एप्लीकेशन फाइल, सेटअप और टूल ऑल इन वन। दोस्तों, आपको सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे इसमें सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मेरे इसमें एरर शो कर रहा है, मगर आपके इसमें कंटिन्यू करके लाइक जो नॉर्मल विंडोज का सेटअप होता है, दोस्तों उसे सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और दोस्तों, मैंने पहले भी कई अलग अलग कस्टम रोम का रिव्यू दिया था, अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस टाइप की वीडियोस और भी देखने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, ये मेरा टूल ऑल इन वन आप देख सकते हैं चालू हो चुका है। इस टाइप का कुछ इंटरफेस आता है जिसके अंदर आपको इसके अंदर सबसे पहले करना है इंस्टॉल ड्राइवर्स पे क्लिक, ताकि आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके अंदर गूगल के ADB ड्राइवर्स, एंड्रॉइड ड्राइवर्स जो रहते हैं, वो इंस्टॉल हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे कि कैसे आपको क्लिक करना है। बाकी दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, लाइक आप अपना बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, आप अपने डिवाइसेस को रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं, सिस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे रीबूट कर सकते हैं, कोई भी जिप फाइल फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं एक एक चीज को, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल हो जाएगा अभी जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो परमिशन बार था जो स्क्रीन कैप्चर पे नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको सीधा सा बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है इसे। जब आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो आपका ड्राइवर्स जो है सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने डिवाइसेस पे सेलेक्ट ये सपोर्ट करता है, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। लाइक आप रीबूट टू सिस्टम कर सकते हैं, रीबूट टू बूट लोडर कर सकते हैं, रीबूट टू रिकवरी कर सकते हैं, EDL मुझे पता नहीं है अभी, और अपने इंटरनल डिवाइस को आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, इसमें डाटा सारा इरेज हो जाता है। APK इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्लैश कर सकते हैं आप कोई भी इमेज को,
साइड लोड के थ्रू आप कोई भी zip फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक टर्मिनल भी है, अगर आप कमांड्स लाइक आपको बहुत पसंद है कमांड्स, तो दोस्तों आप कमांड के थ्रू भी अपना सारा काम कर सकते हैं, लाइक ADV डिवाइसेस या नॉर्मली जो छोटी मोटी कमांड्स होती है। तो दोस्तों अब हम करेंगे इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैं दोस्तों मेरे पास एक फ़ोन है Redmi 2 Prime मेरे ब्रदर का, तो दोस्तों मैं उस फ़ोन में आपको एक zip फाइल इंस्टॉल करके बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं उसमें TWRP डाल के बताऊंगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं TWRP इस पे कैसे दिखेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने उस फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है अपने डेस्कटॉप से, दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे उसमें सेटिंग्स में जाके, डेवलपर सेटिंग्स में जाके और ADV को ऑन कर देना है। डीबगिंग इनेबल, डीबगिंग ऑप्शंस को मुझे इनेबल कर देना है। दोस्तों अगर आपको डेवलपर मोड नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको दोस्तों अबाउट सेक्शन में जाना है, और अबाउट सेक्शन में जाने के बाद बिल्ड नंबर लाइक ऑप्शन होगा तो उस पर आपको दोस्तों 5 times टैप करना है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे मेरा तो ऑलरेडी डेवलपर मोड ऑन हो चुका है, उससे दोस्तों आपके सेटिंग्स मेन्यू में एक डेवलपर का एंट्री आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं जब डेवलपर में आने के बाद वो मुझसे कुछ परमिशन लेगा, आपको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों जब आप इसमें अलाउ करेंगे तो आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा 2 LOL in 1 में ADV डिवाइस रेडी, मतलब आपका डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो यहाँ से डिवाइस चेंज कर देना, अगर आपका डिवाइस इस लिस्ट में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो जेनेरिक फोन पे क्लिक कर देना है, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अब मैं सबसे पहले रिकवरी इसके अंदर डालूंगा। तो दोस्तों हम देखते हैं हमने रीबूट टू बूटलोडर कर दिया है, दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिवाइस है वो फास्ट बूट में आ चुका है। तो दोस्तों हमें जब भी रिकवरी डालनी होती है फोन में तो हम या तो फास्ट बूट में जाते हैं, अलग अलग फोन में अलग अलग टाइप से फास्ट बूट दिखता है। आपको दोस्तों इसके अंदर बस रीबूट टू बूटलोडर कर देना है, फिर उसके बाद जो भी फोन पे डिस्प्ले हो वो एटलीस्ट लाइक फास्ट बूट ही होगा। दोस्तों उसके बाद हम इस पर रिकवरी पे क्लिक कर देंगे, फ्लैश रिकवरी पे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरी फ्लैश एंड रूट के नाम से। तो दोस्तों हम उसमें जाके और मैनुअल मोड पे चले जाएंगे, और मैनुअल मोड पे जाने के बाद दोस्तों उस पर रिकवरी की इमेज .img के नाम से रिकवरी होगी, उसे कर देंगे। मैंने इसे दोस्तों पहले से डाउनलोड कर रखी है, दोस्तों आप देख सकते हैं, तो मैं इसे फ्लैश कर दूंगा। दोस्तों जब मैं इसे फ्लैश करूंगा और मैं इसे कर सकता हूँ एंड बूट इट। दोस्तों अगर आप इसे फ्लैश ना करना चाहें, केवल बूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स डिस्प्ले होगी। दोस्तों उसके बाद आपको प्रेस एनी की करनी है ताकि आपका जो फ़ोन है वो रिकवरी में बूट हो जाए। आप दोस्तों देख सकते हैं फ़ोन जो है मेरा रिकवरी में बूट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो रिकवरी है वो फ्लैश हो चुकी है। दोस्तों इसके अंदर हमारे पास TWRP रिकवरी में 8 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंस्टॉल हो गया, बैकअप हो गया, माउंट हो गया, एडवांस हो गया, वाइप हो गया। दोस्तों हम इसमें सबसे पहले जाके इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी भी zip फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी zip फाइल को आप फ्लैश कर सकते हैं, इस टर्म में फ्लैश वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि इंस्टॉल के। दोस्तों हम देखते हैं, हम सबसे पहले मैजिस्क को डालेंगे। मैजिस्क बेसिकली एक रूटिंग के लिए है। दोस्तों अगर आपको रूट करना है तो आप मैजिस्क को डाउनलोड करके उसे रूट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास मैजिस्क zip है नहीं, तो कोई बात नहीं, हम इसमें टू लॉल इन वन को यूज़ करके और इसमें किसी भी zip को फ्लैश कर देंगे। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको कस्टम रोम भी है आपके पास तो आपको बस इस पर क्लिक करके और उस zip फाइल को लोकेट करना, उस zip फाइल पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। दोस्तों हम टूल ऑल इन वन में एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ ADV साइड लोड का ऑप्शन है, तो उसमें जाके हम लोग जो भी zip फाइल हमारी जहाँ भी पड़ी है मैजिस्क की, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे मैजिस्क की मेरे पास यहाँ पर zip फाइल पड़ी है। तो दोस्तों मैं इसे ओपन करके इसे फ्लैश कर दूंगा। दोस्तों अगर मैं इसे फ्लैश करूंगा तो दोस्तों एरर आएगी क्योंकि मेरा फोन जो है वो ADV साइड लोड में नहीं है। आप देख सकते हैं ADV डिवाइस रिकवरी। दोस्तों उसके लिए मुझे एडवांस में जाके ADV साइड लोड पे क्लिक करना होगा, उसे थोड़ा सा स्वाइप कर देना होगा ताकि मेरा ADV साइड लोड में आ जाए।
दोस्तों चेक करने के लिए मैं टूल ऑल इन वन पे जाके चेक पे क्लिक कर दूंगा ताकि मेरे पास लेटेस्ट स्टेटस मिल जाए फोन का। दोस्तों आप देख सकते हैं एडीवी डिवाइस साइड लोड का ऑप्शन दिख चुका है। दोस्तों अब मैं इसे फ्लैश करूंगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिप फाइल फ्लैश होगी स्क्रीन पे, फोन पे भी देख सकते हैं वहाँ फोन पे भी फ्लैश हो रही है। दोस्तों है ना वो सिंपल प्रोसेस। अगर दोस्तों आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पे केवल प्रेस नहीं की टू कंटिन्यू, तो दोस्तों आप कोई भी बटन दबा देना है ताकि टर्मिनल आपका क्लोज हो चुके। टर्मिनल या हमेशा बोल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्लस जो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी कि लोगों को कस्टम रोम इंस्टॉल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी या कोई भी डाउट्स हो रहे थे या लोगों को मतलब लाइक आपको कोई भी डाउट रहता। तो दोस्तों इससे आप कोई भी डिवाइस कर सकते हैं, आप इसमें स्क्रीन में देख सकते हैं Z2 प्लस, ज़्यादातर इससे शायद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के डिवाइसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसे ट्राई करें, आपका डिवाइस कौन सा है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपका ट्राई सक्सेसफुल होता है इस डिवाइस में लिस्ट नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में उस डिवाइस का नाम लिख के बता दें ताकि मुझे भी पता चल सके कि ये इस डिवाइस के लिए भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम कैसे टूल ऑल इन वन को यूज़ करके किसी भी एंड्रॉइड को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं, लाइक एंड्रॉइड गुरु बन सकते हैं आप भी। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहता है तो वो इस टूल को यूज़ करके कर सके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।